वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है 26th of January, इट्स रिपब्लिक डे है आज। तो आज मैं नहाने वाली हूँ अभी। तो मैं सुबह से ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी जो टाइम होता है ना, वो था तब मेरे को रेडी कराया था, तब मेरा स्कूल भेजना था, तो उस टाइम में वीडियो में नहीं कर पाई। ऊपर से मेरा आवाज़ जो है वो बहुत ही सुंदर निकल रहा है, जिसकी वजह से मैं चार पाँच दिन से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, ना ही ब्लॉग बना पा रही थी, क्योंकि मैं वॉइस ही नहीं दे पाऊँगी तो बना के क्या फायदा। अभी मैं नहा के निकली हूँ, मेरा फेस जो है वो ड्राई हो रहा है, तो खींच रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं पहले मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको से मिलती हूँ। देख लीजिए, तो मैंने मॉइस्चराइज कर लिया अपना स्किन, देखिए मैंने सनस्क्रीन लगाया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करूँ कि नहीं करूँ। आज एक्चुअली यहाँ पे जहाँ मेरी शादी हुई थी मंदिर में, जिस मंदिर में वहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो आपको जरूर मिलाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस कहाँ पर हमारा शादी हुआ था। तो आज वहाँ पे कुछ रिचुअल है, आउटडोर वर्ड जिसको कहते हैं, मतलब जो मंदिर है ना, जिनका मंदिर है उनका ही आज कुछ क्या बोलते हैं उसको, मैं ठीक सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट बहुत बड़ा पूजा है आज वहाँ पे। तो मैं आपको जरूर लेके जाऊँगी वहाँ पे, क्या क्या होता है, कैसे हो रहा है, कितना भीड़ है वहाँ पर, वहाँ पर छोटा सा मेला भी लगता है, तो कैसा रहेगा ये जरूर बने साथ बने रहिए। आपको हम लेके चलते हैं वहीं जहाँ पर मैंने नव्या का थोड़ा सा ही वीडियो उठा पाई थी। नव्या रेडी है स्कूल जाने के लिए, तो यहाँ पर नव्या स्कूल जा रही है, यहाँ पे वो हल्का सा मैं वीडियो उठा पाई। तो कैसे लग रही है मेरी बेटी जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड हम पहुँच चुके हैं जहाँ मुझे जाना था, ये देखिए मैं आ चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरा गला की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में ना आए तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में, और क्या करूँ मैं। फिर भी तो आवाज़ निकल रही है, इतने दिन से तो निकल भी नहीं रही थी आवाज़। तो मैं जा रही हूँ अभी पैदल, क्योंकि टोटो जो है वो मुझे थोड़ा दूर पर उतार दिया था, तो मैं वहाँ से पैदल जा रही हूँ। तो यहाँ से मैं ATM गई थी थोड़ा पैसे उठाने के लिए, क्योंकि कैश मेरे यहाँ पर तो कैश ही लगता है, कहीं भी फोन पे जल्दी वो मिलता नहीं है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पे मेरे साथ जो आई है मम्मी और इनकी दी आई है, लेकिन वो लोग पहले ही आ चुकी थी, नव्या का स्कूल से डायरेक्ट वो लोग आई है, और मैं घर से आ रही हूँ। तो वो देखिए वो लोग दूर पर खड़ी है, कहाँ खड़ी है दूर पर, देखिए ये लोग यहाँ खड़ी है सब कोई। तो यहाँ पर नव्या बहुत खुश हो रही है हमको देख के। तो हम लोग आ चुके हैं, तो मैं भूल गई थी कैमरा नहीं, मतलब फ़ोटो नहीं, मैं तो वीडियो शूट कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, एक्चुअली शैम्पू की थी तो बाल खोल के आना पड़ता, लेकिन लास्ट मुझे इतना गर्मी लगने लगा कि मैंने अपना सारा जो है, मतलब कहते ना आई थी मैं सुंदरी बन घर गई थी, बुरबंदरी बन के मैं। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ मेला में, तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत तरह का बहुत कुछ लगा हुआ है, जैसे पर्स मिल रहा था, कान का मिल रहा, मैंने कान का भी लिया है दो, खिलौना है, बहुत तरह के चीज़ मिल रहे थे। बहुत 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 लंबा रास्ता था और इतना भीड़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने इससे पिछले साल भी आई थी जब मैं, तो इतना भीड़ नहीं था, इस बार तो इतना भीड़ और इतना लाइन लगाना पड़ा है कि कुछ कहने का नहीं है। तो यहाँ पे चारों तरफ कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, देखिए भगवान का फोटो है, यहाँ पे प्लास्टिक का सामान मिल रहा है, इधर कप वप मिल रहा है, मतलब बहुत कुछ मिल रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम लिया, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, ऊपर से मेरा गला बैठा हुआ है और मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, ऐसे मुझे खाने का मन नहीं था आइसक्रीम, बट जब सब कोई खा रहा था तो मुझे लगा कि ठीक है मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ। लेकिन खाने के बाद रात में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी मेरी। तो यहाँ पे देखिए नव्या जो है वो स्कूल से डायरेक्ट ही आई है अपना ड्रेस के साथ, वंदे मातरम करते करते। यहाँ पे रिंकी तो देखते देखते जा रही है क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए डॉल सब बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत खूबसूरत डॉल है यहाँ पे। ये देखिए भीड़ मंदिर का, इस मंदिर में हमारी शादी हुई थी, अंदर है मंदिर, अंदर है काली माँ का मंदिर, ये काली माँ का मंदिर है, लेकिन इसको कहते हैं राम प्रसाद बेटे, राम प्रसाद के नाम से इसको प्रचलित। ये लाइन है भोग का लाइन है, और मुझे लेना था कूपन, ये जो देख रहे हैं लाइन ये है पूजा करने का लाइन, मतलब लाइन ही लाइन है यहाँ पे, मतलब कुछ कहने का नहीं है कितना लाइन, मतलब हम लोग सिर्फ लाइन ही लगाए हैं। देखिए मैं अभी लाइन में खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे कूपन लेने के लिए खड़ी हूँ, कूपन लूँगी, कूपन लेके मैं भोग लूँगी, इसके लिए मैं खड़ी हूँ, और मम्मी लोगों को मैंने बैठा दिया है साइड में,
यहाँ पे देखिए लाइन, ओफ माय गॉड, ये सारा अंदर मंदिर है। यहाँ पे मैं भगवान जी को नहीं दिखा पाई। नेक्स्ट टाइम जब मैं खाली टाइम में आऊँगी मंदिर में, एक दिन मुझे आना है पूजा करने के लिए, तो मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है भोग का जो रस जगह। यहाँ पे चावल है, ये इतना आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ चावल है पूरा। यहाँ पर सस्ता है, बहुत सुंदर से ये चावल दो। इसको कहते हैं अन्नकूट, अन्न का जो पूजा होता है ना, ये उसी का, उसी रिगार्डिंग ये है। तो यहाँ पर सब्जी वब्जी बहुत कुछ बहुत तरह से मिल रहा है सबको यहाँ पे। तो हम लोग ने भोग लिया, उसके बाद नव्या और मम्मी को हम लोग ने कहा था जाइए आप थोड़ा खाली जगह में बैठे, तो वहाँ पे मिल गया नव्या को बहुत तरह का झूला। तो यहाँ पर नव्या गाड़ी चलाने लगी, गाड़ी चलाते चलाते फिर इसको वो चारों तरफ देख रही है कि और क्या क्या नेक्स्ट मुझे चढ़ना है। देखिए इसका आग जो है वो चारों तरफ घूम रहा है कि क्या क्या करना है। हम लोग भोग लेके आ चुके हैं, अच्छा था, खाली जगह था बच्चा लोग के लिए। तो यहाँ पे रिंकी थी, उसको बोल रही कि अभी मुझे बैठा हो, तो बोल रही नहीं ये टूट जाएगा, ये तो बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे बिकी बॉक्स वो चढ़ चुकी है ऑलरेडी, वो जंपिंग भी कर चुकी है, ये तीसरा नंबर है उसका। उसके बाद यहाँ पे अभी वो रेलगाड़ी चढ़ेगी, तो रेलगाड़ी वो अकेले नहीं चढ़ेगी, बच्चों का रेलगाड़ी में हम लोग भी चढ़ चुके हैं। ये देखिए मैं और रिंकी भी चढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत थक चुके हैं, थोड़ा बैठने का मन कर रहा था, तो हम लोग चलो थोड़ा सा रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। तो ये रेलगाड़ी जो है वो चलने लगी, फिर भी चुक 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 चुक, बहुत अच्छा लगा। गोल गोल घूम रहा था लेकिन सर नहीं घूम रहा था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। साइड में बना दिया कि भीड़ में अगर जो बच्चे परेशान करेंगे वो यहाँ आके थोड़ा खेल कूद लेंगे। हाँ सब में पैसा तो लगता ही है, लेकिन बच्चे के आगे क्या है, ज़्यादा दाम नहीं था, 30 रुपये करके ही था, ये 30 रुपीज़ का था, सब कुछ ही 30 रुपीज़ करके ही था, सिर्फ गाड़ी जो चलाई थी वो 50 रुपीज़ था। तो यहाँ पे ये देखिए रविया इन्जॉय कर रही है, वो सोच रही वो गाड़ी के एकदम फ्रंट में बैठेगी, हम बच्ची तुम भी बैठो पहले, हम उसके बाद में मेरी गिरी पीछे बैठी है, क्योंकि बीच का जो सीट था वो थोड़ा सा अजीब था, इसकी वजह से। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।